ओडिया बा हिंदू रही जो भाव आक्रमण विश्व हिंदू परिषद पक्ष दिल्ली प्रेस मीट आस संबंध में अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करेगी। आपको इसमें से कुछ पूछना हो तो आप पूछिए। कितने हिंदू माइनोरिटीज वहाँ मारे गए हैं? दो का तो आपने काउंसलर का नाम बताया, उसके अलावा सिविल सोसाइटी में कितने मरे? अभी एग्जैक्ट नंबर्स मेरे पास नहीं है, पर जो अभी हो रहा है वो मकानों और दुकानों पर हमला और रिलीजियस प्लेसेस पर हमला, ये ज्यादा हो रहा है। सर, ये एक बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट कर रही है जो कि प्रताड़ना का है, सरिया के कानून का, जैसे वो प्रताड़ना कर रहे हैं, और मौत का भी खबर आ रहा है कल रात से। हमारे पास में मृत्यु का एग्जिट स्टेटस अभी मैंने आपको जितना बताया उतना है। आलोक जी, क्या कुछ लगता है 1948-1971 और अभी एक सूर्योदित सृजन चल रहा है, जब जब पड़ोसी राष्ट्रों में इस तरह की घटना घटती है हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होता है, ये बात सच है और इसी को मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने भाषण में कहा है। हिंदुओं के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ 32% से आज 8% पे आ जाना, तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में से माइनॉरिटीज की रक्षा होना, हिंदुओं की रक्षा होना, और फिर उसके लिए सरकार ने हर संभव कदम उठाना, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रेशर बनाना, ये जरूरी है। सर, आप कोई ऐसा डिस्प्रेस कॉल्स आ रहे हैं सर बीएचपी को यहाँ पे, या आपके तरफ से वहाँ पे रीच आउट है, क्योंकि इस्कॉन को भी जलाने की जो बात हुई है वहाँ पे हुई है, मंदिर अटैक हो रहे हैं काली मंदिर जैसा, मेरा तो डिस्प्रेस कॉल्स आपको आ रही है वहाँ पे, क्या कुछ कम्युनिकेशन आपका हो पा रहा है वहाँ से लोकल्स के साथ? मैं आपको कहूंगा कि अभी तक तो हमारा कम्युनिकेशन है, वहाँ के लगभग हर जिले में कम्युनिकेशन है, और जितना प्रयत्न कर सकते हैं हिंदू समाज को इकट्ठा रखने का, बचाने का, वो प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद को डिस्ट्रेस कॉल्स आ भी रही है, हम रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।